नमस्कार दोस्तों, जो कुछ हमने देखा यहाँ पे होता हुआ बांग्लादेश में, वो बहुत ही दुखद है। हमने देखा कि लोग सड़कों पे आ गए, दंगेबाजी करने शुरू कर दी। और यहीं तक नहीं है, वहां पर जो हिंदू लड़कियां हैं उनका खुलेआम पकड़ पकड़ के रेप हो रहा है, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें तो भगाना चाहिए कोई भी अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इनका रेप करो, इनको सोशल मीडिया पर डालो, ताकि सारे हिंदू यहाँ से डरकर, जो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, वो वहां से छोड़कर वो हिंदुस्तान चले जाए। जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान बैठे हैं, वो कहते हैं इनका यहाँ पर रेप करो, ताकि ये भागकर किसी और कंट्री में चले जाएं। यानी कि इन्हें कहीं भी सुख चैन नहीं है। दोस्तों, कल हमने वीडियो बनाया था संजीव जी के साथ, बड़ी डिटेल में हमने बात किया था कि भारत में अभी दस्तक करेंगे, ये यही कुछ बांग्लादेश में जो किया है वो भारत में करेंगे। और जो हमने कहा था वो काम इन्होंने करना शुरू भी कर दिया। काम क्या किया है, वो फटी हुई शेरवानी अरफा, उसने बोल दिया कि भाई जो बांग्लादेश में हुआ है वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक वे से एक डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट हसीना की, उसको गिरा दिया गया है। हिंदुओं को प्रॉब्लम क्या है भारत के अंदर, यानी कि हिंदुओं को डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। अब अरफा को मैं पूछना चाहता हूं कि बेटा, जो तेरा ये राहुल गांधी है, जिसको तुम, तुम्हारा पपी है, इसको तुम जो पपियां लेती रहती है उससे, अगर कल को डेमोक्रेटिक वे से उसे जेल कर दी जाएगी तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगी? डेमोक्रेटिक वे से जब पार्लियामेंट में अंदर वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगी? जब डेमोक्रेटिक वे से पार्लियामेंट में एक पास होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रूलिंग आ जाएगी कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं इन्हें छोड़कर, भारत को छोड़कर वापस जाना पड़ेगा, क्या तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगी? ऐसा क्यों है कि जब भी कोई दंगे फसाद वाली बातें होती हैं तभी तुम्हें डेमोक्रेटिक वे से लगता है? दूसरा, जो लिब्रांडू हैं इन्होंने भी काम शुरू कर दिया अपना। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई जो बांग्लादेश में हुआ है वो डेमोक्रेटिक है। अब भारत में भी यही काम हमें करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो मोदी जी की जीत है वो इनलीगल थी, उन्होंने धांधली करके वो जीते हैं। इन्होंने ऑलरेडी उन चीजों को स्पिन करना शुरू कर दिया। और ये जो कम्युनिटी है इसको तो भगाना चाहिए। अब देखिए, ये यूपी के अंदर एक आदमी की 3 मुसलमानों ने हत्या इस बात के लिए कर दी क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक का बैग मांगा था और इसने प्लास्टिक का बैग देने से इनकार कर दिया। एक प्लास्टिक का बैग जिसकी 50 पैसे की वैल्यू होती है, उसके लिए इन्होंने हत्या करनी हिंदुओं की शुरू कर दी है भारत के अंदर। जो बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों के साथ कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, भारत में जो कर रहे हैं वो बता दिया, लिब्रांडो ने अपना खेल करना शुरू कर दिया वो बता दिया। यानी कि जो हम कल कर रहे थे, कल मैंने एक शो किया, राष्ट्रवादी हैं उनके साथ, उन्होंने मुझे बोला, सुमित जी आप ना नेगेटिव बात में बोला करो कि यार ये भारत में ये कुछ होगा, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपनी आंखें बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। मैं कभी भी नेगेटिव बातों को नहीं करता हूँ, लेकिन जो दिखता है, जो फील होता है, वही चीजें शेयर करता हूँ। और ये सब चीजों के ऊपर बातें करने के लिए संजीव जी को दोबारा बुलाया है। संजीव जी, जय श्री राम। सॉरी थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, बट ये चीजें शेयर करनी जरूरी थी। जय श्री राम सुमित जी। सुमित जी कोई बात सर, नहीं, बांग्लादेश बैकग्राउंड बैकग्राउंड जब तक नहीं बताएंगे तब तक हमारे जो ऑडियंस है उनको भी नहीं समझ आएगा हम किस बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग कमेंट्स भी एकदम ठीक है, टू द पॉइंट है। सर अब देखिए, जो ये डीप स्टेट है, वेस्टर्न डीप स्टेट, आपने कल भी बोला था और बिल्कुल सटीक बोला था आपने पूरी रिसर्च करके, कि वेस्टर्न डीप स्टेट नहीं चाहता था कि बांग्लादेश के अंदर कोई गवर्नमेंट आए जो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस को बनाए, और वही हुआ। कमाल की इनकी प्लानिंग है कि एक फेक प्रोटेस्ट को खड़ा करके इन्होंने एक गवर्नमेंट को घेर दिया, और ये 10 सालों से लगे हैं भारत के अंदर भी। सर कैसे देखते हैं, जो मैंने सारा बताया आपको कि लिब्रांडो ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, कि अब भारत में भी गवर्नमेंट को घेरा जाए? समीत जी देखिए, जो टूल किट है वो तो सेम है, फर्क ये इतना ही है कि जो भारत में टूल किट इस्तेमाल करी जा रही है वो रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए करी जा रही है, और बांग्लादेश में जो टूल किट इस्तेमाल करी गई थी वो बांग्लादेश रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए करी गई थी। और उसी की उसी की उसी की गाड़ में सारे दंगे फसाद, ये वो लूट मार, ये सारा जो वहां पे फसाद हुआ था उसी की आड़ में हुआ था। कुछ कुछ ऐसा ही इंडिया के अंदर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जब से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी है तब से ये लोग बुखलाए हुए हैं, जो कि भी ये कैसे हो गया कि एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आ गई। और सेम चीज बांग्लादेश में भी हुआ था कि शेख हसीना की एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी वो बांग्लादेश में आ गई। दोनों दोनों गवर्नमेंट ने अपने अपने आवाम को, अपने पब्लिक को तरक्की की राह पे ले गए, खूब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने, खूब सारी इंडस्ट्री खुली, खूब सारा गवर्नमेंट का अपना पैसा इकट्ठा हुआ, और उन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदलने की पूरी तरीके से कोशिश करी। मगर ये जो लिब्रांडो है, डीप स्टेट है, जितनी वेस्टर्न लॉबी है,
यहाँ तक कि चाइना भी, ये सब नहीं चाहते कि इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट बढ़े, इस एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़े, इस एरिया के लोग खुशहाल हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो धीरे धीरे पूरी दुनिया का जो ध्यान है इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए पिछले दिनों में यहाँ तक कि G20 के अंदर भी या और भी वर्ल्ड फोरम्स पे मोदी जी ने शेख हसीना को इन्वाइट करा था, वर्ल्ड लीडर से उनकी इंट्रोडक्शन करवाई थी, उनको अपने साथ में बिठा के उन्होंने एक ऐसा पेश करा था कि ये भी एक बहुत बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी है, इसकी तरफ भी ध्यान दे। मगर कहीं ना कहीं पे अंदर ही अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न लॉबी को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी जो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी एक पूरा ही अलग से ही पावर सेंटर क्रिएट कर रहे थे और काफी हद तक वो उसको क्रिएट करने में कामयाब भी हो गए हैं। मगर पिछले 10 साल से ये देखा जा रहा है कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, जितनी भी डी स्टेट है, जितना भी लेफ्ट का इकोसिस्टम है, वो पिछले 10 साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हालात अभी बांग्लादेश में वो करने में कामयाब हुए हैं, वही हालात हिंदुस्तान में भी किसी तरीके से क्रिएट करें और यहाँ की भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, उनको हटाने में वो कामयाब हो। सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि जो बाइडन है, जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन, वो और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी की सारी जो ऑपोजिशन है बांग्लादेश की, उसको सपोर्ट करती है। सर उसको तो रिलीज भी करा दिया है जेल में से उनके प्रेसिडेंट ने, आर्मी उसके हक में नहीं थी, 17 साल से वो जेल में है, वो जिहादन, उसको बाहर निकाल दिया है। अब वहां पर जिहादियों का रोल बनना शुरू हो गया और यही बाइडन चाहता था वहां पर हो और वो उन्होंने करवा दिया। अब एक रूलिंग पार्टी, एक रूलिंग गवर्नमेंट जो कि प्रॉपरली डेमोक्रेटिक वे से जीत कर आई है, सर बड़ा चैंपियन बनता है अमेरिका डेमोक्रेसी का, ये तो डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है क्या? सर सुमित जी देखिए, अमेरिका की अमेरिका अपनी खुद की डेमोक्रेसी पे किसी को हाथ नहीं डालने देता, मगर कहीं और डेमोक्रेसी की वजह से अगर तरक्की हो रही है, वो पावरफुल बन रहा है, वो अमेरिका की बात नहीं सुनता, वो अपने फैसले जब खुद लेता है तो अमेरिका को वहां की डेमोक्रेसी चुभनी शुरू हो जाती है और वो इंसान आंखों में खटकना शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ शेख हसीना और अमेरिका के बीच में हुआ है। अमेरिका ने बेसिकली यहाँ पे उनके आम बेसिस जो है, ये मिलिट्री बेसिस हैं, जो एफओ बेसिस हैं, उसके लिए उसको इस्तेमाल करने की मांग करी थी बांग्लादेश, इसलिए बांग्लादेश ने मना कर दिया था कि अगर यहाँ पे आप अपने आम बेसिस खोलेंगे तो आपका और चाइना के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मेरी देश की तरक्की में कहीं ना कहीं उसमें तो रुकावट आ जाएगी अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमेरिका को ये बात पसंद आई नहीं, वो उन्होंने हंटर बाइडन ने बिल्कुल जो उनकी जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट है, जो कि और उनकी जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तक पाकिस्तान से आईएसए को भी फंडिंग करके यहाँ पे इस एरिया के अंदर खूब गड़बड़ी करवाने की कोशिश करी। सुमित जी आप ये सोचिए कि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है वो लगभग 4,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां पे नदी भी है, नाले भी हैं, सड़कें भी हैं, जंगल भी हैं, मतलब इतना पड़ोस बॉर्डर शायद किसी दो देश के बीच में हो नहीं सकता जितना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। अब जो बांग्लादेश में जो गड़बड़ी फैल रही है, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां पे औरतों के साथ बदतमीजी करी जा रही है, उनका रेप हो रहा है, मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, वहां पे दबाव डाला जा रहा है कि आपको अगर बांग्लादेश में रहना है तो आपको मुसलमान बनना ही पड़ेगा, आप कन्वर्ट कर जाओ अदरवाइज हम आपको नहीं रहने देंगे, उनकी प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, उनके लूटमार हो रही है उनकी दुकानों में जाके, तो जितने बिजनेसेस हैं वहां पे गड़बड़ी कर रही है, तो वहां की जो हिंदू पॉपुलेशन है क्या करेगी? बहुत सारी इंडिया के लोग वहां पे काम करने भी जाते हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, उनके गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उनकी मजबूरी है कि उनको या तो वो देश छोड़ दे या उनकी बात मान ले, उनकी बात तो वो मानने से रहेंगे, कुछ हो सकता है मान भी ले, मगर अधिकतर लोग नहीं मानेंगे इस बात को, क्योंकि उनको अपनी इज्जत आबरू सब चीजों से उनको प्यार अपने देश से प्यार है, तो वो कहीं ना कहीं वहां से निकल के हिंदुस्तान के अंदर आने की कोशिश करेंगे। और जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है वो पूरा समझिए कि इंडिया के आसपास के एरिया के अंदर, तो वो मैक्सिमम उसमें से लोग जो है बंगाल की तरफ आने की कोशिश करेंगे, मगर क्या सिर्फ हिंदू ही वहां से आएंगे? क्या जो जिस देश को मुसलमान देश बनाया गया था पाकिस्तान की तरह, क्या वहां का मुसलमान वहां से भाग के आने की कोशिश नहीं करेगा? क्या जो वहां पे जो लोग रेडिकलाइज्ड हैं, जो लोग मदरसों में पड़े हुए हैं, जिन लोगों के दिमाग ऑलरेडी फिरे हुए हैं, क्या वो लोग इनकी आड़ में हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे? तो वो भी बढ़ चढ़ के घुसने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी ने तो ऑलरेडी एक महीना पहले बोल दिया था कि वो उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है, तो जब अगर इतने भारी नंबर में यहाँ पे लोग आएंगे तो कैसे संभाला जाएगा? सर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर हम जो बांग्लादेश में हुआ उसको अगर कंपेयर करें भारत के साथ, क्या अगर बीजेपी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अवामी लीग के साथ, पीएम मोदी को
पीएम हसीना के साथ, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला था, मोदी जी सड़कों पे अगर आए तो उन्हें पब्लिक गोली मार देगी। पहले डंडे मारे थे, उसके बाद उन्होंने बोला कि डंडे मारने के बाद इन्हें मार दिया जाएगा। अब जो फेक अपना फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर भी मोदी मर जा के नारे लगे थे। यानी कि जो कुछ आप बांग्लादेश में देख रहे हैं उसकी पूरी प्लानिंग भारत में कर दी है। लेब्रांडू अपने काम पर दोबारा से लग गए हैं, ये कॉन्फिडेंस एक साल में गवर्नमेंट गिर जाएगी भारत के अंदर। राहुल गांधी ऐसे ही नहीं बोल रहा, और ये सारे के सारे जो भारत के खिलाफ जो टूल किट्स हैं, जो यानी कि जिनको हम बोलते हैं डीप स्टेट है, उनके साथ हाथ इन्होंने जोड़ लिया है ओपनली भारत के अंदर भी। सर आपको नहीं लगता कि ये अब कोई गंदा खेल भारत में भी खेलने वाले हैं? सुमित जी, इसके संकेत तो आने शुरू हो गए, क्योंकि जो बांग्लादेश में इस वक्त जो वायलेंस हुआ है, जो आर्जनी हुई है, जो यहाँ पे ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो यहाँ पे लेब्रांडू है, जो इनका यहाँ का इनका नेटवर्क है, जो इनके प्रेस है, जो इनके प्रवक्ता है, उन लोगों ने उस चीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि वहां पे अगर कुछ हुआ तो गलत नहीं हुआ, वो एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ तरीका था, उसकी वजह से उनका वहां पे सरकार हटाई गई है। तो अगर वायलेंस क्या डेमोक्रेटिक वे होता है हटाने का सरकार का? आपको एक इलेक्शन प्रोसेस दे रखा है ना, आपको अगर नहीं कोई सरकार पसंद आ रही है, कोई लीडर पसंद आ रहा है, उसके लिए वोट डालिए, आप उसको मत दीजिए वोट। आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जिनको आप चाहते हैं सामने आने का, और आपको अपनी बार लोकसभा इलेक्शन में पूरा मौका मिला था, और उसको भी आप कह रहे हैं कि नहीं, ये भी शायद कहीं ना कहीं पे ये भी जो इलेक्शन हुई है इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने मैनेज करा। कैसे मैनेज करा भी? आपके जो 99 सीटें आई है कांग्रेस की, क्या मैनेज करें? कांग्रेस ने क्या अपने बुरे से बुरे सपने में सोचा था इतनी सीटें आ जाएंगी? उन्होंने तो 40-50 रुपए सोचा भी नहीं था, उनको डबल मिल गई सीटें। क्या मुलायम अखिलेश सरकार ने सोचा, अखिलेश यादव ने सोचा था कि उसके इतनी 30-40 सीटें आ जाएंगी? उसने भी नहीं सोचा था। तो ये तो बेकार की बातें हैं कि ये यहाँ पे इलेक्शन मैनेज थी, तो जहाँ पे तो इनकी सीटें ठीक आ गई वहां पे मैनेज नहीं थी, और जहाँ पे इनकी सीटें ठीक थी वहां पे मैनेज थी। तो ये तो इनका सोचने का तरीका है सुमित जी, और ये अब इसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन हुई है वो ठीक नहीं हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स के हैं, और अपने अग्निवीर के हैं, और अपने क्या कहते हैं किसानों के हैं, उनको कहीं ना कहीं फ्रंट में लाने की कोशिश करेंगे। उन मुद्दों में आरक्षण के हैं, उनको फ्रंट में लाके कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। और टूल किट तो इनके पास पहुंच गई है, इनके पास माहौल भी पहुंच गया कि वो किस तरीके से मैनेज करना है। मीडिया के थ्रू ऑलरेडी मैनेज होना शुरू हो गया है, अब सिर्फ जमीन पर उसको उतारना है। और शायद ये आने वाले मेरे को लगता है 2 दिन के अंदर ही, 2 या 3 दिन के अंदर ही इनकी कुछ तो कुछ मूवमेंट होती है जमीन पे, हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 15 अगस्त का ये दिन का जो मौका है ये अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। उस दिन ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पे फैलाएंगे जरूर, और मोदी सरकार को दिखाने की कोशिश करेंगे, उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार है ये उस लायक नहीं है जो देश को संभाल सकती है। और जैसे ही बांग्लादेश में उन्होंने नारा करा था कि ये तानाशाह की सरकार है, वैसे मोदी जी के लिए लगातार पिछले काफी टाइम से बोलेंगे तानाशाह है। तो टूलकिट सेम है, बट उसमें मुद्दे हिंदुस्तान के डाल दिए, वहां पे मुद्दे उन्होंने बांग्लादेश के डाल दिए। टूलकिट सेम है, उसको वो तरीका उसका सेम है उसको इस्तेमाल करने का, और वो ऑलरेडी यहाँ पे होना शुरू हो गया। आने वाले 2-4 महीने के अंदर आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे अराजकता फैलाने की कोशिश होगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे लूटमार करवाने की कोशिश होगी, दंगे करवाने की कोशिश होगी, कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हो जाएंगे। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर पूरा इस सिस्टम जो बिखर गया है, मुझे इंडिया के अंदर वैसा बिखरता हुआ नहीं नजर आ रहा। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट इसको समझदारी से संभालने की कोशिश करेगी, वो जानते हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, वो उनका लेवल क्या है, वो चीज को अच्छी तरह संभालने में कामयाब भी हो जाएगी, मगर तकलीफ तो बनी रहेगी सुमित जी। जैसे मैंने कई बार ही बोला, अगले साल मार्च अप्रैल तक तकलीफ बनी रहेगी। वो ये जो ऑपरेशन के लोग पूरे नाक में दम करके रखेंगे मोदी गवर्नमेंट के, और काफी हद तक यहाँ पे अराजकता फैलाने में कामयाब भी हो जाएंगे। सर एक चीज बताइए, पिछले 10 सालों में हमने देखा कि कितनी टूल किट आई, कितनी मोदी जी ने खत्म कर दी। यानी कि 10 सालों में मोदी जी अगर देश की तरक्की में लगे हैं तो इन टूल किट्स को एक तरह से हैंडल करने में भी लगे हुए हैं। कई बार लगता है कि मोदी गवर्नमेंट बैकफुट पे है, किसानों का मुद्दा हो, शाहीन बाग हो, बड़े ही खूबसूरती से जब ठंडा हो गया उसको ठंडा कर दिया गया। आपको लगता नहीं है कि अभी भी ये पूरा गर्म करने की कोशिश करेंगे? लेकिन मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है, हम हमेशा बोलते हैं, वो फिर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा कार्ड खेलेंगे पेशेंस के साथ, और इस चीज को भी वो बड़ी ब्यूटीफुली हैंडल कर लेंगे। और अपोजिशन को, लेब्रांडो को ये समझ नहीं आएगा कि अब मोदी जी का करें तो करें क्या। सुमित जी, मोदी जी शांति से किसी चीज को संभाल रहे हैं तो तभी तो हिंदुस्तान संभला हुआ है।
हम लोग कितना भी बोल लें कि मोदी जी को बैक फ्रंट फुट पे आगे खेल खेलना चाहिए या मोदी जी को ऐसे बिहेव करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे देश के हित में जो काम होना वही तो करना चाहिए ना। अब आपके हमारे अंदर इंपेशेंस आ सकता है वो, मगर वो जो इंसान है वो पेशेंस अपनी नहीं खो सकता, वो कंट्री की टॉप सीट करना बैठा हुआ है, उसको पूरे देश को संभाल के चलना है। अगर वो इंपेशेंस में कोई गलत काम कर जाएगा, शायद ऑपोजिशन वाले इसी चीज की वेट कर रहे हैं कि वो गुस्से में आके इंपेशेंट होकर कुछ ऐसे कदम उठा ले जो उनके खिलाफ चला जाए, उसको मुद्दा बना के ये उनको वहां से अपने कंट्री के अंदर पूरा जो हिसाब किताब वो बिगाड़ने में कामयाब हो जाए, उनको यहाँ से उनको फिर प्रेशर के अंदर उनको रिजाइन करवा दें जैसे बांग्लादेश में हुआ है। बट मोदी जी कच्चे गोलियां नहीं खेले सुमित जी, इंडिया बांग्लादेश नहीं है, ना ही इंडिया पाकिस्तान है, ना इंडिया श्रीलंका है, ना ही इंडिया नेपाल है, ना ही इंडिया मालदीव है, ना ही बर्मा है, ना अफगानिस्तान है। ठीक है, इंडिया अपने आप में अलग से ही एक शख्सियत है, अपने आप में एक सक्षम देश है। ये लोग, ये जितने भी देश आसपास के मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली फॉरेन फंड्स को फॉरेन लोन्स को बस जिंदा है। इंडिया को कहीं से भी लोन देने की जरूरत नहीं है, इंडिया के पास अपना खुद का बैलेंस इतना, अपने खुद के रिसोर्सेज इतने, अपना खुद का डिप्लोमेटिक जो क्लाउड इतना है कि वो चीजों को संभाल सकती है। और आज की डेट में जिस भी गवर्नमेंट ने इंडिया के खिलाफ कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश करी है, वो मोदी के साथ आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाए हैं, वो ढंग से इनके साथ बैठ नहीं पाए, उठ नहीं पाए। वो मोदी जी ने अंदर ही अंदर उनका क्या कैसे असर करा है ये आपसे और मेरे से छुपा नहीं है। तो आज 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 क्यों क्यों पाकिस्तान परेशान है कि इंडिया के साथ बातचीत हो किस तरीके से, हमारी ट्रेड हो, चाइना भी परेशान है कि इंडिया की मार्केट को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने का जैसे पहले मौका मिलता था आज नहीं मिल पा रहा। अमेरिका भी परेशान है कि भैया ये सारे हथियार हमसे क्यों नहीं खरीदता, ये सारी अपनी इकोनॉमी हमें क्यों नहीं सौंप देता अपनी मार्केट। ब्रिटेन के साथ भी, ब्रिटेन इंडिया से कई सालों से ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है कि भैया कर लो मेरे साथ, जब से वो ब्रेक्सिट से अलग हुआ है, भाई इंडिया अभी भी उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। इंडिया कह रहा है मेरे लिए इसके अंदर क्या, तेरा तो फायदा हो गया, मेरे को क्या दे रहा है रिटर्न में। तो इंडिया आज अपने फायदे की भी बात पहले कर रहा साथ में कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी डील करता हूँ, तुम्हारे साथ किसी भी तरीके से आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे उसके बदले में क्या मिल रहा है, मेरे देश को उसमें क्या फायदा हो रहा है, ये मुझे पहले पहले पता होना चाहिए। तो देखिए आज की डेट में बहुत सारे काम मोदी जी अपने फ्रंट फुट पे आके कर रहे हैं, मगर बिना शो मचाए कर रहे हैं। अब वो कहीं पे बहुत कम नजर आ रहे हैं, पहले की तरह जैसे पिछले 10 साल में हर जगह नजर आते थे, अब वो हर जगह नजर भी नहीं आ रहे हैं। और इस बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया था सुमित जी की, शायद मोदी जी को थोड़ा सा बैकफुट पर रह के और शांत होकर काम करना चाहिए, हर जगह उनको नजर आने की जरूरत नहीं है। जो काम शांति से पीछे बैकफुट पर रह के हो जाता है, उसके बारे में कोई भी ऑपोजिशन के लोग या लिब्रांडो के लोग या जो वर्ल्ड में जो कबाल बना हुआ है, जो डीप स्टेट बनी है, वो उनका आकलन नहीं कर सकती, उनको पहले से एडवांस में सोच नहीं सकती उसका के बारे में कि अगला उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो आने वाला टाइम तो समझिए कि मार्च तक लिए तकलीफ तो है इंडिया के लिए, मगर मोदी जी को कोई जज नहीं कर पाएगा इनका अगला स्टेप क्या होगा, इतना सीक्रेट तरीके से काम करेंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करेंगे। हमने जब वो एक प्रोडक्शन का वीडियो बनाया था कार्तिक गौर जी के साथ, उन्होंने बोला था कि जो इन्होंने इस बार जो अपना ये क्या कहते हैं इसको स्वेयरिंग इन सेरेमनी है, वो इस मौके पे हुई थी जब गुप्त ये काम करने वाले हैं और ऐसे ऐसे काम करेंगे दुनिया देखेगी। यानी कि मोदी जी के आने के बाद ये मोदी जी के 10 सालों में एक चीज तो हमने देखी कि हमारे देश की जो बहनें हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो सेफ हैं, कंट्री सेफ है, यहाँ पे धमाके नहीं हो रहे। इन्होंने इतने टूल किट्स को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट को घेरने की, चेंज करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया। इस बार भी ये करने की कोशिश शुरू कर दी है इन्होंने, तो दोबारा से बार बार दिखा रहा हूँ, ये है लिब्रांडो का इकोसिस्टम। ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिया कि जो बांग्लादेश में हुआ है वही चीज अब भारत में करने का टाइम है, मोदी की गवर्नमेंट को घेरने का टाइम आ गया है। लेकिन मोदी है, इन्होंने अगर आज ममता बनर्जी को सीधा कर दिया यहाँ पर, अगर वहां पे एलजी को चेंज किया है, आईजी को चेंज किया है, और ममता बनर्जी भी कहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मैं वही करने को तैयार हूँ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि वो भी अब अपने ही स्टेट में सेफ नहीं है, उसको भी दस्तक दिखनी शुरू होगी। सर सुमित जी देखिए, कल की जो हमारी वीडियो बनी थी, मैंने उसमें एक ही बात कही थी, आपका यह सवाल था कि भैया अगर क्या ममता बनर्जी मोदी गवर्नमेंट से मिलकर इस सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार है, तो हम हमारे दिमाग में शायद शक था या हम लोग पूरा इतना यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ममता बनर्जी मोदी जी की इस मुहिम को सपोर्ट करेंगी। मगर कल ही कल में अब देखा गया है कि डीजी बीएसएफ के जो टॉप ब्रास के लोग हैं
उन्होंने इसको वेस्ट बंगाल को विजिट कराया, पूरा आंकलन कराया, उनकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठे भी हैं और आर्मी के साथ भी बैक चैनल्स पर उनकी बातचीत हो रही है कि जरूर पड़े तो आर्मी को भी इन्वॉल्व करेंगे। और अजीत डोवल जी और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मिलकर इस चीज की पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आज सुबह से देखिए कि पार्लियामेंट हाउस में जितने भी बीजेपी के टॉप ब्रास हैं, चाहे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी हैं और फॉरेन मिनिस्टर अपने एस जयशंकर जी हैं और डिफेंस सेक्रेटरी जो है या एडवाइजर जो है डोवल जी हैं, उसके अलावा और भी आर्मी के ब्रास के लोग और भी गवर्नमेंट के और भी लोग, वो सब मिलकर उन्होंने बैठ के पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो स्पेशल जो वहाँ पे कमरा है जहाँ पे बैठ के इन सब चीजों को क्लोज डोर में बात करी जाती है, वहाँ पे बैठ के उन्होंने इस पूरे सिचुएशन का आंकलन लिया है और इसको आगे की रणनीति और स्ट्रेटेजी उन्होंने वहाँ बैठ के बनाई है। हमें नहीं पता चलेगा कि वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ना ही हम उनको घुस के उनके यहाँ पे इस चीज का जानने की कोशिश करेंगे, बट आने वाले दिनों में जो एक कदम उठाएंगे वो देश के हित में रहेगा, ये बात पक्की है। और वो हमें चीज का हमें आने वाले टाइम पे हमारे देश को ऐसी चीजों से कैसे बचाया जाएगा, हमारा देश ऐसी चीजों से कैसे निपटेगा, उसके बारे में हो सकता है पूरी बातचीत होगी, उसका एक रूपरेखा आने वाले दिनों में उनकी तरफ से जमीन पर उतारी जाएगी जो हमें नजर आ जाएगी। चलो सर, इसके ऊपर नजर हम भी रखेंगे, ये बहुत बड़ी एक खबर है, भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। हमें देखते हैं कि मोदी जी अब कौन सा काम करेंगे डिप्लोमेटिकली, पूरी दुनिया को कैसे जगाएंगे, और ये चैंपियन जो बनते हैं डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट्स के, अब वो जो भारत बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी है उसके साथ कैसे खड़ी होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वक्त के ऊपर हम इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। थैंक यू सर, पूरा डिटेल में बात करिए, दोबारा से शाम को कोशिश करते हैं एक बार और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर नई डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय हिंद।